हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बॉन्ड गोल एंड दिस इज संदीप। और आपके कहने पर मैं ला दिया हूँ एक ऐसा कॉलेज जो लगभग ओबीसी को 7 से 8 लाख रैंक भी मिलेगा और जनरल को 6 लाख रैंक तक, 5 से 6 लाख रैंक तक मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है गाइस, और एक अभी बहुत ही मशहूर कॉलेज हुआ करता था, अभी भी है खैर, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया इसके बारे में लेके आइए। तो चलिए आज हम वहीं के एक अपने मित्र को लेकर आए हैं, आज उन्हीं के साथ हमारा टॉक है। तो दिस इज़ द सेशन टॉक विथ स्टूडेंट ऑफ फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं, वो आपको सब कुछ बताएंगे A to Z डिटेल में कि फिरोज गांधी रायबरेली वाला कैसा है। तो इसी के सेशन में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये यूपी का बेस्ट चैनल है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलता है ताकि आप काउंसलिंग में कोई भी गलती ना करें या अपने कॉलेज चूज करने में कोई गलती ना करें, चाहे कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं हर्षित सिंह, जो कि फिरोज गांधी से ही अपनी बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो चलिए मिलते हैं उनसे और पूछेंगे अपने सारे प्रश्न। हेलो हेलो भाई, कैसे हैं? मायसेल्फ हर्षित सिंह। हाँ भाई, बढ़िया हूँ। आई एम परसेटिंग बीटेक फ्रॉम फिरोज गांधी कॉलेज। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। ओके, तो आप अभी थर्ड ईयर में हैं, वैसे क्या माहौल है फिरोज गांधी का? फिरोज गांधी ठीक है, मतलब बढ़िया है कॉलेज। अच्छा, बढ़िया कॉलेज है। आपने क्या सोच के एडमिशन ले लिया था फिरोज गांधी में? फिरोज गांधी में मतलब फैसिलिटीज फैकल्टीज ये सब काफी बढ़िया है, मतलब और फीस भी काफी सही है, मतलब एवरेज है फीस, कोई हाई फाई नहीं है। ओके, तो यही सब सोच के हमने इसमें एडमिशन लिया था। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, जैसे फिरोज गांधी है, अभी लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला है गवर्नमेंट है, बहुत सारे साइट्स पे भी दिया है सेमी गवर्नमेंट है, बहुत सारे यूट्यूबर भी बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट है, तो क्या है मसला? हालांकि हम तो देख पा रहे हैं कि प्राइवेट है, तो आपका क्या कहना है, क्या है आपका कॉलेज, गवर्नमेंट प्राइवेट? पहले तो ये सेमी गवर्नमेंट था, लेकिन अब ये प्राइवेट के अंडर में आता है। अच्छा, पहले सेमी गवर्नमेंट हुआ करता था, अभी ये प्राइवेट है। तो हाँ गाइस, जैसा कि आपने सुना, पहले सेमी गवर्नमेंट था और अभी ये प्राइवेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्या फीस बढ़ा प्राइवेट होने के बाद? नहीं, फीस तो वही है, मतलब 80,000 के अप्रोक्स है। अच्छा, फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और हॉस्टल फीस कितना लगेगा? हॉस्टल फीस 45 के अराउंड है। ओके, तो चलिए गाइस, हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि फिरोज गांधी जो कॉलेज है कैसा है। अगर मैं फिरोज गांधी की बात करूं तो पहला बात आता है कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए, इसके इसमें एडमिशन के दो प्रोसेस हैं। पहला, आप जेई मेंस दे लो, जेई मेन दे के AKTU की काउंसलिंग करा लो, है कि नहीं? AKTU की काउंसलिंग करा लो, AKTU की काउंसलिंग के थ्रू आपको फिरोज गांधी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि इसका अभी स्पॉट राउंड भी आने वाला है। अगर आपने AKTU की काउंसलिंग में नहीं बैठे थे और अगर आपने जेई मेंस दिया है तो भी इसमें डायरेक्ट एडमिशन होने की संभावना है, अगर सीटें बचती हैं AKTU की काउंसलिंग के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फिरोज गांधी का मैं अगर ऑफिशियल साइट लेके जाऊँ, ठीक है, ये इसका सेकेंड वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला। आप यहाँ पे जब जाएंगे तो एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन बीटेक एमसीए एंड लेटरल एंट्री। जो लोग एमसीए बीटेक या फिर लेटरल एंट्री के लिए कर रहे हैं, उनका अभी स्पॉट राउंड के लिए भी काउंसलिंग चल रहा है, क्योंकि AKTU की काउंसलिंग जैसे ही ख़त्म होगी तो जितनी सारी सीटें बचेंगी वो स्पॉट राउंड के थ्रू दे देगा। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना है, 14/8/2021 से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ से क्लिक करें और यहाँ पे अप्लाई ईयर में जाएं, मान लीजिए फर्स्ट ईयर, और कोर्स क्या, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के लिए कर रहा है, तो अब इसको भर दीजिए, फ्री का फॉर्म है, भर दीजिएगा, आराम से आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाएगा अगर AKTU में कुछ नहीं मिलता है तो। ठीक, ये दूसरा प्रोसेस था, और AKTU वाला प्रोसेस मैंने अभी सिखाया कि आपको क्या करना है कि AKTU से करके और काउंसलिंग में इसको चूज करना है तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही कि कैसे यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि फीस कितनी है। तो भाई, फीस कितनी है, आप लोग कितना पे करते हो एक साल में? हम तो 81,709 रुपीस पे करते हैं पर एनम। अच्छा, 81 के मान लीजिए मोटा मोटी आप पे करते हो पर एनम। और हॉस्टल फीस कितना पे करते हो? 45,000। हॉस्टल फीस 45 है, जिसमें मेस इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? हाँ, इंक्लूडेड है। अच्छा, 45 के जिसमें मेस भी है,
तो इस हिसाब से तो बहुत सस्ता हुआ नोएडा गाजियाबाद के कॉलेज के कंपैरिजन, क्योंकि उनका फीस लगभग होता है 1,30,000 या 1,40,000। नोएडा में कॉलेज जो है 1,30,000 या 40,000 के आसपास उनकी फ़ीस रहती है, और 1,10,000 के आसपास उनकी हॉस्टल फीस रहती है, तो उनके कंपैरिजन तो बहुत ही सस्ता हुआ, है कि नहीं भाई? हाँ भाई हाँ हाँ। अब पहली बात है फी वेवर की, फी की हो गई। अब इसमें फी वेवर की बात करें ना, तो फी वेवर की मात्र 5% सीटें हैं, 5% ही है ना? हाँ, 5% है अच्छा, भाई। अब ये हो गई 5% वाली सीटें। और दूसरी बात, अगर मैं आपको स्कॉलरशिप की पूछूं, तो स्कॉलरशिप कितना मिल जाता है आप लोग को? स्कॉलरशिप वही 56,000 के अप्रॉक्स मिल जाता है। 56K की अप्रॉक्स मिल जाता है। इसके लिए यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ता होगा। हाँ, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अच्छा, सबमिट सबका आ करना जाता पड़ता है है। या फिर किसी किसी का रुक भी जाता है? हाँ, सबका आ जाता है। हमारा तो 3 साल आ गए, मतलब हमारा तो आ जाता है। अच्छा, आपका आ जाता है, मतलब मान के चलिए कि लगभग सबका आ ही जाता है, ठीक है। सभी का आ जाता है। तो भाई ये रहा फीस, फीस के हिसाब से कम है फीस भी। मैं आपको एक ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूँ इनकी फीस का, ठीक है। इनकी फीस का ये ऑफिशियल डाटा है, 87,709 रुपया फर्स्ट ईयर वालों को जो अब जाएंगे, और 81,709 रुपये उन लोगों के लिए जो बाद में, जो पहले से पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी कम है ना, और 45,000 पर एनम हॉस्टल फीस है। तो इस हिसाब से तो मैं अगर पैसे के हिसाब से देखूँ तो एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा, लोकेशन कैसा है? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि वो बढ़िया लोकेशन पे नहीं है, एटमॉस्फियर से बदबू आती है, सुनने में आया था 2-3 साल पहले। क्या माहौल है? नहीं नहीं भाई, पहले से तो काफी डेवलप हो गया है एरिया आसपास का, मतलब मार्केट भी अब बढ़ गई है पहले से। तो अब तो मतलब डेली यूज के सामान भी बढ़िया आसानी से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं होती कोई है। अब दिक्कत नहीं हो डेवलप रही ही है। हो रहा है एरिया उधर का, थोड़ा अच्छा, वहाँ पे मतलब आउट हॉस्टल्स में है ना वगैरह? रायबरेली से, लेकिन एरिया काफी है, पहले से डेवलप हो चुका है। अच्छा, एरिया डेवलप हो चुका है। अच्छा, वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह क्या है, मतलब लड़कियों के लिए वो ठीक है, सेफ प्लेस है, या फिर कैसा हाँ, वीरान जगह है? हॉस्टल हॉस्टल तो बढ़िया है, मतलब हॉस्टल बढ़िया है, मतलब मतलब कोई अगर कोई दिक्कत लड़की नहीं रहना चाहे तो उसे कोई मतलब दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा ना? है। नहीं, वार्डन होते हैं, कोई दिक्कत होती तो आप उनसे मतलब कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ठीक है इस मामले में। और लोकेशन आपने बोला कि ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे गेट वगैरह की प्रिपरेशन करना हो या एक्स्ट्रा कोडिंग वगैरह सीखना हो, तो ऐसा कुछ है क्या वहाँ? हाँ भाई, गेट वेट मतलब यही है कि अपना मेट जी है लखनऊ, जो वही से पास ही में है रायबरेली से, तो वहां से अपना गेट की कोचिंग कर बना सकते हैं। अच्छा, तो यही है गाइज, ये लोकेशन की रही बात और FW सीट की बात भी रही, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कट ऑफ, आप यकीन नहीं मानोगे, 7-7 लाख तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये फिरोज गांधी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देखो, BC गर्ल 5,40,000, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। होम स्टेट BC वाले 6,84,000, ठीक है। EWS 6,83,000, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। ओपन गर्ल में 2,95,000, ठीक है, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। तो इसमें चार ही ब्रांच है, एक कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो और गया है एरो 5, मतलब और अच्छा खासा गया है। उसके बाद मैकेनिकल है, फिर एरोनॉटिकल है। तो यही है, चार ही ब्रांच है, लेकिन मतलब 5-5, 6-6 लाख तक फर्स्ट राउंड में गया था। सेकेंड राउंड में देखोगे तो होश उड़ जाएंगे, सेकेंड राउंड का देखो, अभी थर्ड राउंड में और बढ़ेगा, ठीक है। अभी तुम देखो, कंप्यूटर साइंस ओपन वालों को 5,4,54,000 पे मिला हुआ है ना, और जो OBC वाले हैं 7,86,000 मिला है। मतलब क्या ही भाई, क्या ही है, लोग मतलब उल्टे सीधे कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब अब क्या ही बोलूँ, लेकिन उनसे तो ये बेटर ही है, ठीक है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मैं इसका प्लेसमेंट वगैरह की मैं कट ऑफ तुम्हें दिखाया, 7 लाख OBC का हुआ है, 5-6 लाख तक जनरल का गया है, और अभी ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रही बात, अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखा दिया, मैं तुम्हें प्लेसमेंट दिखाता हूँ। देखो, अगर NIRF डाटा को माने, NIRF, तो तुम्हें एक चीज में जरूर दिखाऊंगा, NIRF का डाटा एक बार तुम लोग देखो गाइस। NIRF का डाटा देखो, ठीक है, NIRF के डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, ठीक है, 18-19 में जो इन्होंने डाटा भेजा था, लेटेस्ट वाला तो इन्होंने भेजा नहीं था, मिल भी नहीं रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं वो वाली बात करूँ तो 17-18 में जो इनका प्लेसमेंट हुआ था ना, 17-18 में, उसमें 357 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, और 220 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए थे प्लेसमेंट में, प्लेस्ड भी हो गए थे, और 75 बच्चे गए थे हायर स्टडीज़ में। और अगर मैं उसके बाद की बात करूँ कि कितना इन्होंने मीडियम सैलरी रखा, मीडियम सैलरी मिला, तो इनको 5,60,000, 5,60,000, मतलब 5.5 लाख से एबव भी इनका मीडियम सैलरी था, ये तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो कुल मिला जुला के ठीक ठाक था, एवरेज रहा था, ठीक है।
अब मैं एक बात और बताता हूँ कि इन उसके बाद से इनकी प्लेसमेंट क्या रही है। उनके उसके बाद से अगर मैं प्लेसमेंट का डाटा तुम्हें दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे जो आई है TCS वगैरह बहुत दबा के आती हैं और बहुत बच्चों को लेके गई हैं। कंप्यूटर साइंस से लगभग 23 बच्चे एक साथ गए थे TCS में, ठीक है, और वो भी सबको 3.5 लाख, 3.6 लाख के उस पर लेके गया था। विप्रो भी 3.5 लाख के पैकेज पे ही लेके गया था, ठीक है, उसके बाद से तुम देख पा रहे होगे। अच्छा, आपके यहाँ सबसे बढ़िया ब्रांच कौन है भाई? सबसे बढ़िया ब्रांच, ब्रांच तो सारी बढ़िया होती है, नहीं, लेकिन ब्रांच बिल्कुल सीएससी बढ़िया तो होती है, बढ़िया आई है प्लेसमेंट अपनी। के अकॉर्डिंग आपके यहाँ सबसे ज्यादा अगर प्लेसमेंट किसी ब्रांच का होता है तो कौन सा ब्रांच है? प्लेसमेंट में तो सीएससी है नंबर सीएससी वन, तो उसी का प्लेसमेंट बढ़िया होता है। ओवरऑल उसी का प्लेसमेंट बढ़िया होता है। और अगर हायर स्टडीज के लिए जाना हो तो आपके यहाँ कहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, कौन से ब्रांच की? हायर स्टडीज में है एरो है अपनी, सीएस भी है, अच्छा सारे ब्रांच बढ़िया हैं। अच्छा ब्रांचेस बढ़िया हैं, ठीक है, ये तो बात सही रही आपकी कि हर ब्रांच इक्वली होता है, कोई इसमें कोई आगे पीछे नहीं होता है, बट एक होता है ना कि प्लेसमेंट के सीनियोरियस बच्चे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज ये तो आपने देख लिया होगा और मैं इनकी लिस्ट तो दिखाता हूँ। ये सारी लिस्ट है जिसमें 2 लाख, 2.5 लाख, ठीक है, कुछ लोगों को सिर्फ 4.5 लाख, कुछ लोगों को 10 लाख भी मिला हुआ है, किस लोगों को 5.6 लाख भी मिला हुआ है। तो लगभग उस ईयर में 104 बच्चे इनके प्लेस्ड हुए थे, और लगभग कंप्यूटर के तो लगभग सारे ही प्लेस्ड हो जाते होंगे। कंप्यूटर कितने प्लेस्ड हो जाते हैं कंप्यूटर के? के ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो जाते हैं, 80 अबव तो हो ही जाते हैं, 120 में लमसम 120 हो में? जाते अच्छा, हैं। 120 में 80 अबव हो जाते हैं, ये तो ठीक है, मतलब अच्छा प्लेसमेंट का सिनेरियो कंप्यूटर का, ठीक है। तो आपको क्या लगता है अगर कंप्यूटर मिले तो यहाँ जाना सही रहेगा, कैसा डिसीजन है? हाँ, कंप्यूटर के लिए तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट है कॉलेज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। अच्छा बेस्ट है कॉलेज, ठीक है, ये तो बात आपकी सही रही। अगर ये 6-7 लाख, 8 लाख रैंक है तो कोई खास तो कुछ देगा नहीं, इवन नोएडा वाले कॉलेज भी आपको कुछ नहीं देंगे। तो एक ऑप्शन हो सकता है कि आप इधर से मतलब इधर एक स्विच कर लो, ठीक है, एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं एक नहीं है। तो मैंने आपको प्लेसमेंट दिखाया, अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स को दिखाऊं कि कौन कौन सी कंपनीज इनके यहाँ ज़्यादा आती हैं, ठीक है, तो यही है, ये सारी कंपनीज हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं पर ठीक है, मतलब ठीक ठाक कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, विप्रो वगैरह, इन्फोसिस वगैरह, ये सब तो लगभग हर जगह पहुंच जा रही हैं, ठीक है, तो ये सारी कंपनीज आ रही हैं। तो ये टोटल कंपनीज हैं, इनकी लिस्ट है कि ये कंपनीज यहाँ पे आती हैं और यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करती हैं। तो ये तो अच्छी अच्छी बात रही, ठीक है, उसके बाद से ये प्लेसमेंट नेक्स्ट ईयर का है। तो कुल मिला जुला के आप यहाँ पे अपना प्लेसमेंट, अब बच्चों का प्लेसमेंट देख सकते हो कि कौन कितना गया। हाईएस्ट तो उस टाइम पे 10 लाख का यहाँ से गया था, ठीक है, जो बहुत अच्छा नहीं है पर फिर भी एवरेज है, ठीक है। अगर 7 लाख कोई बच्चा ला रहा है, 7 लाख रैंक जेई में ला रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये सही कॉलेज है, क्या कहते हैं हर्षित आप? हाँ भाई, बेस्ट कॉलेज है, हम तो यहीं से पढ़े हुए हैं, तो हमें तो बढ़िया कॉलेज लग रहा है, फैकल्टीज भी बढ़िया हैं काफी। अच्छा, ठीक है, आपके यहाँ हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ बढ़िया है, हॉस्टल लाइफ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खाना वाना ये लोग सही दे देते हैं? खाना कैंटीन में वही खाना तो बढ़िया मिलता है, खाने में कोई वो नोक झोंक नहीं, खाना बहुत बढ़िया देते हैं लोग, ऐसा तो मेनू के नहीं ना हिसाब से पैन होता प्रमोशन है। के लिए आप बोल रहे हैं कैंटीन वालों का, कुछ वार्डन से पैसा वैसा तो नहीं मिलता है नहीं, ना? ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, खाना बढ़िया मिलता है। ओके, कोई नहीं, मजाक कर रहा था। आपके यहाँ की फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटी कैसा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है फैकल्टी थोड़ा कम्युनिटी वाला मामला है क्या? कम्युनिटी वाला? नहीं, कम्युनिटी वाला मामला है नहीं, फैकल्टीज बढ़िया, एक्सपीरियंस टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चे को कोई डाउट होता तो आप पूछ सकता अच्छा, है, नहीं टीचर मतलब आसानी से जैसे बता मैंने देते हैं। क्वायरा पे एक भाई साहब का पढ़ा था, मैं भी सर्च करता रहता हूँ कॉलेज का, जैसे क्वेरा हो गया, इन सब पे पढ़ के देखता हूँ कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला था कि सारे फैकल्टी यंग हैं, लड़के जैसे ही हैं, और मतलब ऐसा नहीं 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 है। एक्सपीरियंस टीचर हैं, अबव 40 एज के भी हैं टीचर, फोर्टी अच्छा, फाइव 50। और वो लोग कोऑपरेट करते हैं, इंटर्नशिप वगैरह आप लोग को मिल जाती है? हाँ, करते हैं क्या, करते हैं। अच्छा, तो गाइज जैसा कि इन्होंने बताया तो इस हिसाब से तो ठीक कॉलेज लग रहा है। अगर 7 लाख रैंक पे कोई कॉलेज मिल रहा है, कोई खास तो मिलेगा नहीं पर अगर 7 लाख रैंक तक भी ले रहा है तो एक ठीक ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हर्षित भाई, मतलब एक बेटर हाँ ऑप्शन हो भाई, सकता है कि नहीं? हो सकता है। अच्छा, आपकी रैंक अच्छी थी तो मतलब आप मतलब नोएडा साइड में जैसे JSS AKG अभी जो मतलब टॉप पे चल रहा है, मतलब आपने उधर जाने का ना सोचकर इधर ही क्यों गया गया आप? काउंसलिंग कराया था तो फर्स्ट राउंड में तो यही हमें मिल गया था, तो अच्छा बाकी तो हमारे पास में भी है ये लाइब्रेरी साइट,
इसीलिए हमने ले लिया कि हमारे पास में है और बाकी फैकल्टीज भी बढ़िया हैं, तो अभी हमने ले लिया था। और गेट के प्रिपरेशन के लिए तो बेस्ट है, बस अच्छा, यहाँ से गेट ये की समझ कर प्रिपरेशन ले अच्छे से लिया हो था। सकती है? हाँ भाई हो सकती है। ओके, और कैंपस आपका कैसा है? सुनाओ कि मतलब थोड़ा सा हरा भरा नहीं है, सूखा सूखा है क्या? हरा भरा बगीचे गार्डन भी है, मतलब बढ़िया है। ग्राउंड बहुत बड़ा बना हुआ है। कैंपस अच्छा, ग्राउंड मतलब कैंपस की साइज कितनी होगी लगभग आपके अनुसार? की साइज होगी मतलब 20-20 के अबो होगी, 20 एकर्स के अबो। अच्छा, 20 एकर्स। अच्छा, और लैब वगैरह आपके ठीक ठाक हैं, हाँ वेल इक्विप्ड हाँ हैं लैब मतलब? बढ़िया है, कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री लैब है, और भी बहुत सारी लैब हैं। बहुत मतलब इक्विपमेंट भी बढ़िया है। मतलब इक्विपमेंट में तो कमी नहीं है ना कि मतलब नहीं ऐसा? नहीं कोई वैसे तो इक्विपमेंट में ये कमी नहीं है। एरोनॉटिक्स करा रहा है तो ये तो हाईटेक ही रहा होगा इसका लैब, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम। लैब तो उसका बढ़िया है, लैब सारी हैं, बेस्ट लैब्स हैं। अच्छा, AKTU में बहुत कम ही कॉलेज हैं जो ये ऑफ़र करते हैं, ये तो सिर्फ IITs में ही कुछ ऑफ़र करते हैं, कुछ ही कॉलेज हैं, या फिर कुछ सेंट्रल लेवल की ही कॉलेज जो हैं ऑफ़र करती हैं। ये अगर कर नहीं रहा है तो लैब तो मतलब बढ़िया है। ठीक ही रहा होगा। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको लगाओ कि इसके अलावा कुछ और मुझे पूछना चाहिए था तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैंने सब कुछ दिखा दी, NIRF का डाटा भी दिखा दिया, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको सही लगे तो यू कैन डेफिनेटली गो हियर, ठीक है। ओवरऑल अगर 7 लाख 8 लाख रैंक है तो इट मे बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब ये अच्छा कॉलेज नहीं है, ठीक है। एक एवरेज कॉलेज है, मतलब 5 4 5 6 लाख तक का आपका प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर आप CSE से हो तो, और कंपनीज भी अच्छी खासी आ रही हैं, है कि नहीं भाई? ओके, तो ठीक है, देखते हैं आपके कितने जूनियर्स आपको वहाँ पहचानते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आप जाने वाले हैं, ठीक है हर्षित भाई। हाँ काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो गाइज़ तुम लोग बताना कैसा रिव्यू रहा, और अगर आपको फिरोज़ गांधी से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो जस्ट आस्क, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।